खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव की बस सुलुकी प्रकरण को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक आयुक्त संतोष कुमार सिंह का बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा कि सिर्फ 6 अप्रैल के लिए बुक किया गया था तेज प्रताप यादव के लिए 2 कमरा, लेकिन बिना बताए उन्होंने नहीं खाली किया था कमरा। उसी कमरे की दूसरे व्यक्ति ने कर रखी थी बुकिंग। देर रात कमरे का ताला बंद होने की वजह से दूसरे व्यक्ति को कमरा देने के लिए होटल प्रबंधन ने उनके कमरे से निकाला था बाहर सामान। देखें ये रिपोर्ट, वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश स्टेट मीडिया न्यूज। को लेकर एक प्रकरण सामने आया है, उनके साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई। देखिए, अभी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि थाना सिगरा क्षेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महीने पहले खुला है। इसके लिए उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए 1 दिन के लिए होटल बुक कराया गया था, और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था, होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पर ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच की जा रही है।